नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में उतरे ग्रामीण। टुंडला में जैन समाज के लोगों द्वारा मौन विरोध जुलूस निकाला गया। टुंडला के दीपा का चौराहे से शुरू होकर मौन जुलूस टुंडला तहसील पहुंचा, जहां पर हजारों की तादाद में जैन समाज के महिला पुरुष और बच्चे हाथों में तख्ती और बैनर लेकर पहुंचे, जहां पर SDM टुंडला सतेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज के लोगों ने मांग की है झारखंड में स्थित समेत शिखर तीर्थ स्थल को सौंदर्यीकरण के साथ ही इस तीर्थ स्थल को भव्य रूप दिया जाए, लेकिन इसे पर्यटन के रूप में घोषित न किया जाए। ऐसा करने से जैन समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। हमने उपजिला अधिकारी महोदय को इस संबंध में अवगत कराया है और सभी जैन बालमियों से मेरा सर्वत निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर वही रह जाए। ज्ञापन दिया गया है, ये क्या है पूरा मामला? आज हमारे टुंडला के सम्मानित जैन समाज ने हमें श्री समेत शिखर जो झारखंड में उससे संबंधित ज्ञापन सौंपा है, जिसे हम प्रॉपर चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का। मेरा नाम पांडे जयंत कुमार जैन है, मैं टुंडला जैन समाज का महामंत्री हूँ और मैं यहाँ आज जो आप देख रहे हैं ये तहसील प्रांगण में इतने लोग जो मौन जुलूस के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोगों की कम से कम मैं समझता हूँ संख्या ये है 9-10 हज़ार की संख्या होगी। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग एकत्रित हैं और हम यहाँ केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की ये जो नीति है जिसके तहत ये स्थितियाँ चल रही हैं कि हमारे तीर्थराज समेत शिखर जो जैनियों का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। विगत पिछले एक वर्ष से हम इस तीर्थराज पर कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ देख रहे हैं कि सरकार ने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस पर हमारी इस पर्वत की पवित्रता जो है वो खराब हो रही है। यहाँ लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जूते चप्पल पहन के इस पर्वत पर चढ़ रहे हैं। हम जैन लोग तो इस पर नंगे पैर चढ़ते हैं, हम इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं क्योंकि इसके कण कण में हम मानते हैं कि हमारा भगवान व्याप्त है। ये तप स्थली रही है, साधना का केंद्र रहा है। जैन धर्म के जितने साधु हैं, जो तपस्वी हैं, वो यहाँ जाके अपनी तपस्या करते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष स्थली है, यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ ये कहने आए हैं कि यहाँ जो स्थितियाँ हैं, अच्छा अभी कर देंगे, अभी कर देंगे।